सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विष्णु गेमिंग यूट्यूब चैनल सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारे जो इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री डी गेम है सो so इस गेम का जो अपडेट है नेक्स्ट अपडेट कब तक आप लोगों को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ उस अपडेट में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारी गेम पे जो आर्मी टैंक एड हो चुका है सो so उसका चीट कोड कौन सा है और उसको आप लोग कैसे अपने गेम पे ले सकते हो वो भी बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को ये भी बताने वाले की कैसे जो आप लोग भी अपने गेम पे ये सारे मिशंस को ले सकते हो और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं मेरे गेम पे मल्टीप्लेयर मोड को ले चुका हूँ और मेरे दोस्त के साथ मल्टीप्लेयर मोड को खेल भी रहा हूँ और ये खेलने में काफी ज्यादा मस्त भी लग रहा है तो आप लोग भी कैसे अपने गेम पे मल्टीप्लेयर मोड को ले सकते हो ये भी चीज बताने वाला हूँ मैं आज की इस वीडियो में तो वीडियो जो है काफी ज्यादा औसम होने वाला है इसके लिए आप लोग वीडियो को बिना स्कीप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना आप लोगों को आज की इस वीडियो में अपडेट से रिगार्ड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है और हाँ दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना तो इन सारे चीज का चिटकोट बताने से पहले मैं कुछ मिथ बस्टर्स को ट्राई करके देख लेता हूँ ये जो मिथ बस्टर है वो कॉन्फर्म होता है या फिर बस्टर हो जाता है सो so, सबसे पहला मीत यह है कि भाई स्टिकी बम मारते मारते हेलीकॉप्टर में जाओ फिर देखो मैजिक हेल्थ लगा के सो so, देखते हैं भाई इस को ट्राई करके ये जो मीत है कन्फर्म होता है, फिर बस्टेड हो जाता so, है। इस को ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले एक हेलीकॉप्टर को बुला लेता हूँ सो so, हमारा जो हेलीकॉप्टर है उसका चिट कोड एट थाउजेंड तो मैं इधर एट डायल करके हेलीकॉप्टर को बुला लिया लेकिन ये तो भाई कुछ अलग तरीके से गिर गया तो कोई ना मैं और एक हेलीकॉप्टर को बुला लेता हूँ सो इधर आ चुका है हमारा हेलीकॉप्टर और भाई ने जैसे की बोला था मुझे

भी लगाने के लिए बोला था शायद से फॉल हो सकता है सो देखो भाई और एक बार गया तो भाई ये क्या हो गया मैं तो भाई बिल्कुल बहुत ऊपर चला गया यार ये तो कुछ अलग ही ग्लिच हो गया सो मतलब ये जो मिथ है ये बिल्कुल कन्फर्म है तो हमारा अगला मिथ ये है की अगर आप किसी भी कार के गेट पर बॉम्ब लगाओगे तो गेट जो टूट जाएगा सो भाई इस मिथ को भी हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले एक गाड़ी का चिट को डायल कर लेता हूँ so, मैंने इधर 500 डायल करके ऑडी को बुला लिया और अभी मैं स्टिकी में ले लेता हूँ और इसके गेट पे लगा देता हूँ तो देखता हूँ क्या कुछ होता है तो गेट पे लगाने से पहले मैं इसके ऊपर जो ग्लास है उसमें मरा तो भाई ये ग्लास जो टूट चुका था और अभी जो है बहुत सारे स्टिकी बॉम मैं इसके गेट पे लगा रहा हूं तो देखो भाई देखते क्या होता है सो ये देखो ये जो गेट है बिल्कुल टूट चुका है तो और एक गाड़ी पे हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं क्या ये जो मिथ है ये ट्रिक वो करता है या फिर नहीं करता है सो so, और एक घर में ले so, अभी जो है मुझे तो so, मैं स्टिकी so, जो गेट है, ये है या फिर भाई सही रहता है so, इसको तो भाई मैं बहुत सारे बॉम्ब लगा लिया फिलहाल तो सो so, ये अभी भी नहीं टूट रहा है और भाई देखते और कुछ लगा के तो मुझे तो लगता है कि ये भी टूटने वाला है सो देखते और कुछ लगा के क्या टूटता या फिर नहीं टूटता टूट चुका है मतलब कि ये जो मिथ है ये भी बिल्कुल कंफर्म है सो so, हमारा अगला मित ये है कि गेम में बुलेट बाइक की आवाज ऑल व्हीकल से अलग है so, चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे गेम में जो बाइक्स मिलते हैं वो भाई बिल्कुल उनका आवाज जो है सेम रहता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है तो देखो भाई इधर मैंने पहले तो आर एस को बुला लिया इसका आवाज चेक कर लो और इधर जो हमारा स्प्लेंडर है इसका भी आवाज चेक कर लीजिए आप लोग ये भी बिल्कुल सेम लग रहा है और साथ ही साथ हमारा जो एज है इसका भी आवाज बिल्कुल उन दोनों की तरह ही लग रहा है और एक लार्ज बाइक भी मैं चेक करा देता हूँ जो की हमारा स्टैंड और इसका भी आवाज सेम है लेकिन अभी जैसे हम लोग बुलेट बाइक को बुलाते है और देखते हैं। इसका आवाज तो देखो भाई इसका जो आवाज है बिल्कुल चेंज हो चुका है और भाई इसका आवाज पहले से बिल्कुल चेंज है और इसको अभी मैं चला के भी थोड़ा दिखा देता हूँ तो देखो भाई इसका आवाज कैसा है भाई इसका आवाज भी काफी ज्यादा मस्त है और रियल लाइफ में बुलेट बाइक का आवाज जैसा होता है ऐसा ही है मतलब कि ये मीट जो ये बिल्कुल कंफर्म है So, हमारा अगला मित्र ये है कि अगर हमें मून ग्रेविटी एक्टिव करके स्टिकी बम को फेंके तो वो फ्लाइंग बम बन जाएगा सो so, चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं सो so, इसमित को ट्राई करने के लिए मुझे सबसे पहले अपना जो मून ग्रेविटी है उसको एक्टिव कर लेना जो कि सेवन डब्लू वन टू तो ये एक्टिव हो चुका है और मैं अभी जो अपना स्टिकी को हाथ में ले लेता हूँ और आगे की तरफ फेंकता हूँ तो देखो भाई ये जो स्टिकी बॉम है भाई काफी ऊपर तक उड़ रहा है और नीचे बहुत धीरे धीरे आ रहा है तो सच में भाई ये जो है फ्लाइंग बन चुका है मुझे भी लग रहा है तो देखो भाई कितने ऊपर तक चला गया और भाई अभी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है मतलब ये जो स्टिकी बॉम है भाई नॉर्मल जैसे हम लोग फेंकते तो बहुत तेजी से गिरता है लेकिन जब हम लोग जो इसको मून ग्रेविटी के साथ फेंकते हैं तो ये जो बहुत धीरे धीरे गिरते हैं सो so, इसे तो आप लोग भाई दिवाली भी खेल सकते हो सो so, इसको तीन को भाई तीन चार को स्टिकी को एक साथ ऊपर मार के फिर आप लोग एक्टिव कर देना तो ये जो ऊपर ही फट जाएगा सो so, ये जो मिथ है ये भी बिल्कुल कन्फर्म है सो so, हमारा अगला मित ये है कि अगर हम मिलिट्री के कपड़े पहन कर कैमरे के बटन को दबा कर रखेंगे और स्क्रीन पर कुछ नहीं रहेगा तो फिर बैक के ऑप्शन को दबाने के बाद जब हम बैक होंगे तो कपड़े चेंज होंगे सो so, चलो भाई ये सुनने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसको भी हम लोग एक बार ट्राई करके देख लेते हैं तो इस को ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले अपने कपड़े को जो भाई मिलिट्री बना लेता हूँ तो देखो मैं इधर शार्ट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं मिलिट्री कपड़े पहना देता हूँ तो ये हो चुका है और शॉर्ट्स भी हम लोग मिलिट्री की पहन लेते हैं और अभी जैसे कि बताया गया कि हम लोग कैमरे के ऑप्शन पे दबा के रखना है तो मैं देखो भाई इधर जैसे कैमरे के ऑप्शन पे दबा के रखा तो भाई देखो हमारा जो भाई स्क्रीन से सारे बटन चला गया और अभी मैं बैक करके देख लेता हूँ तो देखो मैंने जैसे ही बैक किया मेरे कपड़े जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है भाई ये तो मुझे पहले पता नहीं था क्या आप लोग को पता था ये कॉमेंट करके बता देना सो कभी अभी जो है और कोई कपड़े के साथ देख लेते हैं सो इधर मैं देखो दोनों व्हाइट ड्रेस पहन लिया है और अभी फिर से हम लोग सेम तरीके से करते हैं इसको तो देखो भाई अभी जो फिर से स्किन के सारे ऑप्शन चले गए और जैसे बैक के मैंने इधर कपड़े जो चेंज हो चुके हैं मतलब कि ये जो मिथ है ये भी बिल्कुल कंफर्म है सो so, हमारा अगला मिथ ये है कि ग्रैनी कार का चिटकोड है टू क्या सच में ऐसा कोई भी चिटकोड है हमारे गेम पे सो so, मैंने तो, मुझे तो भाई आज तक पता नहीं चला ये चिटकोड तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं भाई तो इस चीज को ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले अपना फोन को ओपन कर लेता हूं और जो है टू अपना चीट को डायल कर देते हैं सो तो देखो भाई मैंने टू डायल कर दिया और देखो भाई मैं चारों ओर देख रहा हूँ तो भाई कोई भी जो चिटकोट एक्टिव नहीं हुआ है और कोई भी गाड़ी नहीं आया दो बार ट्राई करके देख लिया मतलब ये जो मिथ है ये बिल्कुल बस्टेड हो चुका है सो तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ की हमारा जो गेम है इसमें आर्मी टैंक का जो चिटकोट है वो कौन सा है तो फिलहाल तो हम लोग को आर्मी टैंक का चिटकोट नहीं देखने को मिल रहा है और अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ की हमारी गेम का जो नेक्स्ट अपडेट है वो आप लोग को कब तक देखने को मिलेगा सो so, इससे रिगार्डिंग हम लोगों ने रोहित सर से पूछा था तो रोहित सर ने बताया अभी भी जो है पूरा काम कम्प्लीट नहीं हुआ है सो so, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा तो सब कुछ एड हो जाएगा तब जो है हमारा गेम का अपडेट आ जाएगा तो अभी बस आर्मी टैंक के ऊपर ही काम खत्म हुआ है और अभी जो है भाई नया नया कौन सा चीज आने वाला है वो बोल देता हूँ सो so, हमारी गेम पे नया जो चीज आने वाला है वो होगा हमारा न्यू सुपर स्टार और साथ ही साथ जो है न्यू हाउस भी एड होने वाला है और अगर आप लोग भाई वो सारे मिशन को लेने चाहते हो तो आप लोग को सिंपली कमेंट करना ऐड ऑल मिशंस तो सारे मिशन हमारे गेम पे ऐड हो जाएगा तो मल्टीप्लेयर मोड भी आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट में तो नहीं मिलेगा लेकिन भाई इस साल के लास्ट में देखने को मिल जाएगा शायद से सो so, कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो जरूर कॉमेंट करके बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंदोस्त